हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में, और जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के ऊपर, जो कि दो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं से रिलेटेड। पहला है कि भैया ICR में स्कॉलरशिप मिलती है क्या, स्कॉलरशिप कितना मिलता है और किस किस को मिलेगा, जो अदर स्टेट में एडमिशन लेगा उसी को मिलेगा या स्टेट वालों को भी मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा कि भैया ICR का जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है इसमें चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कैसे राउंड वाइज इसका काउंसलिंग होता है, ये सब आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो बहुत मेहनत से इसका PPT बनाया है मैंने, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, NTS से रिलेटेड आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कैसे पेमेंट मिलेगा, तो इसलिए आपको कोई डाउट ना रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ICR से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे आपको बताया जाएगा कैसे आपको काउंसलिंग करना है और भी जो स्टेप्स, कॉलेज लेवल काउंसलिंग कैसे करना है, मॉकअप राउंड में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ये सब बताया जाएगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक PDF काउंसलिंग PDF, ऑल यूनिवर्सिटीज़ का PDF, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलो आप जो स्कॉलरशिप NTS, अब NTS फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, उसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, देखिए मैंने अच्छे से इसमें स्लाइड में दिया हुआ है। देखिए टेक अप स्टडीज अप्रूव्ड कोर्सेज, टेक एडमिशन इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आउटसाइड द देयर डोमिसाइल स्टेट, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको आपका जो एडमिशन है किसी भी एग्रीकल्चर कोर्सेज या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना, और वो आपके स्टेट मतलब अनदर स्टेट में लेना है, लोकेटेड आउटसाइड फ्रॉम योर स्टेट, मतलब आप डोमिसाइल किसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है डोमिसाइल स्टेट क्या होता है। भाई जिसमें आपका जन्म हुआ है, जो आपका स्टेट है वो आपका डोमिसाइल स्टेट है, और आउटसाइड स्टेट जिसमें आपने एडमिशन लिया है। अब इसके लिए क्या करना, पहला एलिजिबिलिटी ये है कि आउटसाइड स्टेट में आपको एडमिशन लेना है। दूसरा एलिजिबिलिटी है कि आपको अपना परफॉर्मेंस कॉलेज में जो CGPA होता है वो मेंटेन करके रखना है, 6.5 CGPA SC और ST कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 10, और 7 CGPA जनरल और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए रखना है। देन देखिए नेक्स्ट है, डू नॉट रिमेन एबसेंट विदाउट प्रियर परमिशन और एनी, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम भी, कि आपको किसी भी जैसे लड़ाई होता है या कोई भी मतलब कोई भी स्ट्राइक या आपस में लड़ाई हो रहा है तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज वाला आपको कुछ नहीं करेगा, आपको आपका NTS हटा देगा, आपके पास आपको NTS हटा देगा तो, और या आप एबसेंट कर रहे हो क्लासेस को बिना किसी परमिशन के तब भी आपका, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब अभी आपको बताऊँगा कि UG में कितना पैसा का लॉस हो सकता है और PG में कितने का अगर आप ये कर रहे हो। देन इसमें नेक्स्ट है कि आपको जो अपना स्टडीज़ है उसको पार्ट टाइम नहीं लेना होगा, आपको फुल टाइम स्टडी करना होगा। इट मीन्स कि आप सोचो कि नहीं मैं कॉलेज, जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली कि लोग अपना कॉलेज को घर पे ही, कि हमको बस एग्ज़ाम देने जाना है और हम खुद से पढ़ लेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको होम पर अपने घर पर बैठकर आप नहीं कर सकते हो, आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। देन दूसरा है देखिए नेक्स्ट है, डज नॉट लीव हिज कोर्स स्टडी व्हेन 1 month अदरवाइज, अगर आपने जब एडमिशन लिया और उसी मंथ में आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। देन उसके बाद में आपको क्या होगा कि जैसे आप NTS के लिए एलिजिबल हो तो आपको मेल पर एक आपको ऐसा शो होगा यू आर एलिजिबल फॉर NTS, ऐसे आपके आई के डॉक्यूमेंट्स आएगा आपके पास, वो PDF के फॉर्म में आपको रखना है और वो आपको अपने यूनिवर्सिटी में जमा कराना है, तो आपको एलिजिबिलिटी समझ आया होगा। सो इससे पहले देन आपको बता देता हूँ वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, कितना आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। जो UG वाले स्टूडेंट है जो अभी जो एडमिशन लेंगे उनको 3000 पर मंथ आपको मिलेगा, ये मतलब 36,000 रुपये आपको एक ईयर का मिलेगा। जो PG वाले हैं उनको 5000 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। देन उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, इसमें देखिए क्या होता है कि जो ICR की अथॉरिटी है वो आपका जो भी पेमेंट है वो आपको यूनिवर्सिटी में देती है। अब यूनिवर्सिटी उसको क्या करती है, देखिए द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप शैल नॉट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली स्टूडेंट को नहीं दिया जाता ICR के थ्रू,
ये जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी को दे दी जाती है, डिलीवर कर दी जाती है। फिर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको मंथली देती है या आपको ईयर वाइज देती है, या अपना फिक्स कि 6 मंथ का देना है उसको या 7 मंथ का देना, ऐसे एडजस्ट करके देती है। तो आपको ये समझ आया कि, और देखिए जो आपका है ये देखिए, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ CGPA आपका जो 7 out of 10 होना चाहिए जनरल और OBC के लिए, और 6.5 out of 10 होना चाहिए आपके इसके लिए। और अभी ऊपर बताया भी था मैंने आपको 12 मंथ के लिए आपका यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो कैसे आपको देती है। तो चलो आपको ये समझ आया है, और अभी आपको मैं नेक्स्ट है कि जो इसके ऊपर चर्चा करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है ICR में। आपने अभी देख लिया कि ICR का NTS क्या होता है, कितना आपको पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। और आपको मैंने बोला है कि जैसे ही आपको अगर आप अनदर स्टेट में आपको सीट्स मिलता है, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स आएगा, वो आपके मेल पर भेजा जाएगा, तो उसको आप अपने से अच्छे से अपने पास रखें, जब भी आपको कॉलेज मांगे तो उसको देना है। अब आता है जैसे कि आपका अभी स्कोर परसेंटाइल फॉर्म में आ चुका, अब आता है काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता है पहला आपका प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करना, देन होता है चॉइस फिलिंग। भाई देखो चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात कि आपने कोई भी, जैसे दो बंदे हो, एक बंदा ये और एक बंदा ये, माना कि इस बंदे का रैंक मान लीजिए आप 5000 के समथिंग है और इसका मान लीजिए 6000 के समथिंग है। माना कि एक है SC कैटेगरी का और एक है OBC कैटेगरी का। SC कैटेगरी वाले को माना कि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी जैसे JB पंत यूनिवर्सिटी BHU उसने इसको अपनी प्रेफरेंस पर डाला। OBC वाले ने भी क्या हुआ उनको डाल दिया, तो भाई चांस मिलेगा तो उसको, तुमको नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा नहीं। अगर सेम एज OBC वाला है, अलग तीसरा स्टूडेंट OBC वाला है, उसने टॉप यूनिवर्सिटीज को नहीं डाला, उसने जो उसके रैंक के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी थी उनको उसने पुट किया, तो इस OBC वाले स्टूडेंट से कंपेरिजन थर्ड वाला स्टूडेंट था उसको मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसने एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाला है। इसलिए काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ना आप 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, तीनों राउंड में आपको एक बारी चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, एक बार ही। तो इसलिए एक बार में अच्छे से करें, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, थर्ड राउंड में भी नहीं मिला। तब जाके आपको जब थर्ड राउंड मतलब तीनों राउंड में जब सीट बच जाता है तब एक होता है मोपअप राउंड, तो उसको मोपअप राउंड बोलते हैं कि उसमें कितना सीट्स बचता है, तब जाके तब आपको सेकेंड टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और तब दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। इसलिए ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग एक बार ही करना किया जाता है, तो तीनों राउंड्स के लिए अलग अलग आपको कुछ नहीं करना होता है। और सेपरेट, हाँ एक क्वेश्चन होता है भैया हमको अलग अलग सेपरेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक बार ही, बस आपको एक बार ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो आपका पोर्टल पे फी होता है वो फी आप काउंसलिंग फी पे करोगे, उसके बाद तीनों राउंड्स के लिए आप एलिजिबल हो। सो आपको ये समझ आया। और हाँ, अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत होती है तो आप हमारी मेंटरशिप या हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको अभी ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए इस काउंसलिंग मेंटरशिप में आपको कुछ नहीं, 300 रुपीज़ पे करना होगा और अपना स्कोर कार्ड मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जैसे आपको इनरोल कर लिया जाएगा आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग आपको आपके पोर्टल पे जाके भरवाई जाएंगी, जैसे आपको दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हम करें कैसे नहीं करें, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको कॉलेज दिला सकूं, क्योंकि आपका एक ईयर बचेगा। आई थिंक पैसा इस चीज़ में मैटर नहीं करता, बट मैं अगर आपका हेल्प करूंगा तो मेरे लिए वो बहुत बेटर रहेगा। देन देखिए नेक्स्ट चीज़, आपको अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना है, मैं सबके लिए बोल नहीं रहा कि आपको कंपलसरी ज्वाइन करना, जिसको आइडिया नहीं है वही ज्वाइन करें, अदरवाइज नहीं करें। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।